ये स्प्लिट एसी में ड्रेन पंप लगे हुआ है। ड्रेन पंप का ये अलग मॉडल है समझो। अब थोड़े ड्रेन पंप अंदर लगाने के आते, थोड़े ड्रेन पंप बाहर लगाने के आते। तो कभी भी एसी के अंदर ड्रेन पंप लगा रहे बोले तो उसका जो पाइप रहता अपन कैसा भी सीलिंग के ऊपर देते, तो सीलिंग में जो है 2x2 का कट देके एक टैप डोर के टाइप में बना के रखना कभी भी सर्विसिंग वगैरह करने। अब इसका जो है ड्रेन क्लीन करने भी अपने काम में आता, या फ्यूचर में कुछ भी पाइप वाइप कट हो गया, आमतौर पर चूहे कट कर देते, तो इसके अंदर भी सेम शॉट हुआ समझो। चूहे वगैरह हुए कट कर दिए थे, इसका पाइप कट कर दिए थे, वाटर लीकेज हो रहा था। तो खैर जो है 2x2 का सीलिंग एक बना के रख दिए समझो, अपन साइड में कर लिए, जो भी सर्विसिंग वगैरह करना कर ले सकते। और एक चीज़, जब अपन इसका पाइप लगाते ना, पाइप लगाए वक्त ये जो पाइप है ऐसा ओपन नहीं रख देना। ओपन रखने से अपने को ऐसे का प्रॉब्लम आते, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो पाइप लगा के रखे सेम पीवीसी पाइप भी अपन इसके अंदर से पूरा यहाँ तक दे दिए, तो अपन को फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं होता समझो। चूहे हुए कट नहीं कर सकते, अब यहाँ तो ऑप्शन ही नहीं है, पाइप नहीं डाल सकते, मजबूरी में पाइप ऐसे ही लगाना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।